अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं एस एन महमूद एंड वेलकम टू जायंस। लास्ट वीडियो में हमने bubble.io में एलिमेंट कंपोनेंट एडिटर में लेआउट टैब को स्टडी किया था। आज की वीडियो में हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे और कंपोनेंट एडिटर में जो हमारे पास फाइनल टैब है कंडीशनल, उसको स्टडी करेंगे। कंडीशनल टैब बेसिकली एलिमेंट की कंडीशनल स्टेट्स को मैनेज करने के लिए यूज होता है। जैसे कि आपके पास एक बटन है, आप उस पर कंडीशन अप्लाई करना चाहते हैं कि जब यूजर इस पर होवर करे तो कुछ इसकी स्टेट चेंज होनी चाहिए, यूजर इस पे क्लिक करे तो इसकी कुछ स्टेट चेंज होनी चाहिए, पेज लोड हो तब कुछ एलिमेंट आप परफॉर्म करना चाहते हैं। इसी तरह काफी ज्यादा कंडीशंस हो सकती हैं जो कि bubble.io ने हमारे लिए प्री डिफाइन की हुई हैं और उनकी बेसिस पे आप बेसिकली चेक्स लगा सकते हैं और उन कंडीशंस के अकॉर्डिंगली आप कुछ स्टेट्स को चेंज कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकते हैं और ओवरऑल एलिमेंट की लुक एंड फील को चेंज कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। चलते हैं वीडियो की तरफ। स्टार्ट करने के लिए हम अपनी ऐप को ओपन कर लेंगे। लास्ट वीडियो में हमने यहां तक स्टडी किया था। वंस अगेन मैं यहां पर जो हम हर वीडियो में करते हैं कॉन्टेक्स्ट को क्लियर कर लूंगा और उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। इसको क्लोज करके और राइट क्लिक करके इसको डिलीट कर दूंगा और लास्टली इसको भी बेसिकली वाइट पे रीसेट कर दूंगा। उसका शॉर्टेस्ट वे हो सकता है आप न्यू पेज क्रिएट कर लें। मैं यहाँ पर वापस यूआई बिल्डर पे आ जाऊंगा और बटन एलिमेंट को सिलेक्ट करके उसे इंसर्ट कर लूंगा। यहाँ पे हमारे पास एक बटन एलिमेंट आ गया और आज की वीडियो में हम कंडीशनल टैब को स्टडी कर रहे होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास ऑलरेडी एक यहाँ पे कंडीशन अप्लाई है। वो क्या है, वो कैसे ऐड हुई है, इसको हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास, मैंने इस बटन को अभी अभी ऐड किया है और कंडीशन टैब में ये जो एक स्टेट है कंडीशनल स्टेट वो पहले से ही अवेलेबल है। और वो क्या हो रहा है, व्हेन दिस बटन इज होवर्ड, कि जब ये बटन पे यूजर अपना कर्सर, ये जो कर्सर है पॉइंटर, इसको होवर करे, उसके ऊपर लेके आए, उसके बाद जो प्रॉपर्टीज है वो कह रहा है कि ये स्टाइल में डिफाइन है। स्टाइल क्या चीजें हैं, बेसिकली इसकी बात कर रहा है स्टाइल्स की, लेकिन ये क्या है, कैसे काम करते हैं और कैसे बनाते हैं, कैसे यूज करते हैं, ये हम आने वाली वीडियोज में स्टडी करेंगे जब उस पर हम बात कर रहे होंगे। अभी के लिए यहाँ पर इस प्रॉपर्टी को देखने के लिए मैं लेआउट टैब में आऊंगा, सॉरी अपीयरेंस टैब में, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे पास स्टाइल का ऑप्शन है। मैं इसको डिटैच स्टाइल कर दूंगा अभी के लिए। और उसी के साथ आप देख सकते हैं कंडीशनल में यहाँ पे वन आ गया कि एक कंडीशनल इस ब्लॉक को असाइन है। वंस अगेन वही स्टेट है, दिस बटन इज होवर्ड, जब ये बटन होवर हो। और स्टेट उन्होंने क्या चेंज किया है, बैकग्राउंड कलर उसको चेंज किया है, लेकिन यहाँ पे अगर हम अपीयरेंस टैब में आके देखें तो बैकग्राउंड कलर यहाँ पे भी प्राइमरी है और यहाँ पे भी प्राइमरी। तो चेंज क्या हुआ, मैं अगर यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये बैकग्राउंड कलर 100% ओपेसिटी के साथ है, यहाँ पे आके देखता हूँ इस पे क्लिक तो ये 80% ओपेसिटी के साथ है। और यही वजह है कि जब हम इसको प्रीव्यू करते हैं और इस बटन पे होवर करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये स्लाइटली इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है। इसको अच्छे से देखने के लिए आपके पास 2 से 3 ऑप्शन है। आप इसकी ट्रांसपेरेंसी को और कम कर दें, 20% पे ले जाएं, ओके, यहाँ पे आके प्रीव्यू करते हैं, ये रिफ्रेश होगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब ये फुली क्लियर है। यहाँ फिर आप दूसरे तरीके के साथ देख सकते हैं कि आप ट्रांसपेरेंसी को 100% पे रहने दें और कलर को ही चेंज करते हैं। लेट्स से कि हम इस कलर में चले जाते हैं, जो कि टोटली वैलिड चीज है। आपके डिजाइन पे डिपेंड करेगा कि आप अपने बटन की ओवर स्टेट क्या रखना चाहते हैं। अब मैं होवर करूंगा तो आप देख सकते हैं कलर चेंज हो रहा है और एक स्मूथ ट्रांजिशन के साथ हो रहा है, ना कि डायरेक्ट शिफ्ट कर रहा है। वो भी bubble.io का डिफॉल्ट बिहेवियर है, जो कि हम जब उस टॉपिक पे जाएंगे तो तब हम उसे स्टडी कर रहे होंगे। इसी के साथ हमने ये देख लिया कि ये बेसिकली डिफॉल्ट स्टेट कहाँ से हमें अटैच हो रही थी, ये स्टाइल के थ्रू अटैच हो रही थी और ये, और इसकी वजह से क्या इफेक्ट आ रहा है, इसकी वजह से बेसिकली होवर पे कलर चेंज का इफेक्ट आ रहा है। अब नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे कि हम इस तरह की जो कंडीशनल स्टेट है उसको खुद कैसे ऐड कर सकते हैं, ये हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे। हम यहाँ पे इस कंडीशन स्टेट को
रिमूव कर देंगे और शुरू से इसको ऐड करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे क्लिक करेंगे डिफाइन एन अदर कंडीशन, और ये हमारे से बेसिकली कंडीशन पूछेगा कि किस कंडीशन पे ये जो स्टेट है, ये जो प्रॉपर्टी चेंज है, ये अप्लाई हो। व्हेन, अब यहाँ पे ये कह रहा है क्लिक करें, हम क्लिक करेंगे। ओके, व्हेन क्या हो, कब ये कंडीशन हो। दिस बटन, उसका मतलब है ये जो बटन है इस पे मैंने क्लिक किया, इस बटन पे क्या होना चाहिए। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जब इसकी विड्थ जो है वो इतने पिक्सल हो, ये रिस्पॉन्सिवनेस पे, अब आप देख रहे हैं कि रिस्पॉन्सिवनेस पे हम जा सकते हैं। हम कहेंगे अगर हमने इसकी मिनिमम विड्थ 50 पिक्सल सेट की है, मैक्सिमम विड्थ 500 की है, तो हम एक चेक लगा सकते हैं कि व्हेन इट्स विड्थ इज लेस देन 400, और ये एक वैलिड चेक हो जाएगा। यहाँ पे आता हूँ, ये देखें अगर ये ब्लू हो गया, इसका मतलब ये वैलिड चेक है कि जब इस बटन की जो विड्थ है वो 400 से कम हो, तब यहाँ पे जो भी मैं डिफाइन करूँ वो चीज अप्लाई होनी चाहिए। लेट्स से कि मैं इस एलिमेंट को कहता हूँ टैक्स, बेसिकली टैक्स का मतलब है जो इसमें कॉन्टेंट आ रहा है, उसे मैं चेंज कर देता हूँ, बटन विड्थ इज बिलो 400 पिक्सल। ओके, इसको प्रीव्यू करते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी क्योंकि इसकी विड्थ 400 पिक्सल से ज्यादा है तो हमें डिफॉल्ट टैक्स आ रहा है। मैं यहाँ पे आता हूँ इस रिस्पॉन्सिव टैब में और इसे क्लोज करता हूँ। अभी क्या हो रहा है कि ये फिक्स्ड विड्थ पे है, और इसे हम कंफर्म कर लेते हैं यहाँ पे लेआउट में आने के बाद। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फिक्स्ड विड्थ पे है, और फिक्स्ड विड्थ इसकी कितनी है, 443, मतलब ये कभी उस स्टेट में जाएगा ही। सबसे पहले इसे अनचेक करेंगे, इसको हम कह देंगे कि ये मिनिमम 50 पिक्सल पे जा सकता है, मैक्सिमम इन्फिनिटी, मीन जितनी स्पेस अवेलेबल है उतनी ले लें। प्रीव्यू करेंगे, अब आप देख सकते हैं कि ये करंट इस बटन की जो स्पेस है, जो विड्थ है, वो 630 है, 34। मैं इसे स्मॉल करता जाऊंगा, जैसे ही ये 400 से ब्लो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसका टेक्स्ट चेंज हो गया। और वंस अगेन हमारे पास यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शन है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस एक कंडीशन पे मैं काफी ज्यादा चेक लगा सकता हूँ। मैं ये कह सकता हूँ कि इस एलिमेंट की जो बैकग्राउंड है, यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं कि वो स्टेट है कि नहीं, उसको मैं चेंज कर देता हूँ। लेट्स से इस पे मैंने बैकग्राउंड को इस पे चेंज कर दिया, मैं एक और लगा देता हूँ, कलर पे लगा देता हूँ, फॉन्ट कलर उसे मैं कह देता हूँ रेड कलर। उसके अलावा मैं एक और लगा देता हूँ हाइट पे, मिन हाइट मैं इसे कह देता हूँ कि लेट्स से आप 300 पिक्सल पे चले जाओ। उसके अलावा जितने आप लगाना चाहें, मैं इसको बेसिकली टॉप मार्जिन दे देता हूँ कि आप टॉप मार्जिन 300 पिक्सल टॉप मार्जिन। और अगर मैं आप इसको प्रीव्यू करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी 400 पिक्सल से ब्लो थी, तो आप देख सकते हैं सारी चीजें अप्लाई हो गई। जैसे ही अप जाऊंगा सारी चीजें रिमूव, तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं ये कैसे चेंज हो रहा है। हमारे पास सिर्फ यही ऑप्शन नहीं है कि हम एक ही स्टेट पर सारी कंडीशंस लगा दें, हम मल्टीपल कंडीशंस को भी लगा सकते हैं। ये चीज हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे। मल्टीपल कंडीशनल स्टेट्स लगाना बहुत ही ज्यादा सिंपल है, होपफुली आपने ऑलरेडी गेस कर लिया होगा। यहाँ पे हमने एक कंडीशन लगाई कि जब इस बटन की विड्थ 400 पिक्सल से कम हो। मैं एक और कंडीशन लगा देता हूँ व्हेन दिस, और यहाँ पे कुछ भी और कंडीशन हम लगा सकते हैं। लेट्स से कि मैं एक कंडीशन लगा देता हूँ, यहाँ से आप ये सारे चेक देख सकते हैं कि क्या क्या हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल है। पेज लोडेड इंटायरली, जब पूरा पेज फुली तरह लोड हो जाए तब मैं एक कंडीशन लगाना चाह रहा हूँ, ये अपने आप में एक फुली कंडीशन है। और मैं ये चाह रहा हूँ कि जब पूरा पेज लोड हो जाए उस वक्त मैं इसका जो बैकग्राउंड कलर है उसको चेंज कर दूंगा, लेट्स से ग्रीन में। प्रीव्यू करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। मैं इसकी विड्थ को 400 पिक्सल से कम कर दूंगा। आप देख सकते हैं कि जब तक तो पेज रीलोड हो रहा होता है तब तक उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो इस कंडीशन के अकॉर्डिंगली होता है, उसके बाद इस कंडीशन के अकॉर्डिंगली होता है। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये वाली कंडीशन इस कंडीशन से ज्यादा पावरफुल हो, तो उसका तरीकाकार क्या है ये हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे। लेकिन बेसिकली ये कंडीशन इस कंडीशन को ओवरराइड क्यों कर रही है, और हम इस चीज को कैसे प्रिडिक्ट और कंट्रोल कर सकते हैं कि कौन सी कंडीशन किस कंडीशन को ओवरराइड कर देगी और कौन सा स्टाइल फाइनली एक बटन पर अप्लाई होगा, ये चीज हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे।
ओके, अब हमारे पास क्वेश्चन ये है कि इनमें से ये स्टेट इस स्टेट को ओवरराइड क्यों कर रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें भी बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी है और इसमें भी बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी है, तो ये बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी इस बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी से ओवरराइड क्यों हो रही है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन करें ताकि दूसरों को उससे फायदा हो सके। अदरवाइज इसका आंसर ये है कि बेसिकली जो कंडीशन स्टेट पहले डिफाइन होती है, बाद में आने वाली कंडीशनल स्टेट में अगर कोई प्रॉपर्टी ओवरलैप कर रही हो तो जो बाद में कंडीशनल स्टेट होगी वो पहले वाली कंडीशनल स्टेट की प्रॉपर्टी को ओवरराइड कर देगी। ये कंडीशनल स्टेट मैंने पहले डिफाइन की, ये बाद में डिफाइन की, इसमें भी बैकग्राउंड कलर है, इसमें भी बैकग्राउंड कलर, तो जो फाइनल लास्ट कंडीशनल स्टेट जिसमें के बैकग्राउंड कलर मैं डिफाइन करूंगा, वो वाला जब वो कंडीशन एक्टिव हो जाएगी तो वो बैकग्राउंड कलर अप्लाई होगा। ये तरीका कार है। अगर आप चाहते हैं कि बेसिकली ये इस स्टेट को ओवरराइड ना करें तो आपको सिर्फ और सिर्फ इसको बाद में ऐड करना पड़ेगा। अब आप पूछेंगे कि बेसिकली मैंने ये सारा कुछ लिख दिया तो अब मैं इसको कैसे चेंज कर सकता हूँ कि ये इसके बाद आए, तो बहुत आसान सा तरीका है। यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन है, आप जैसे देख सकते हैं मूव डाउन मूव अप, मैं इस पे क्लिक करके इसको अप मूव कर सकता हूँ, या फिर जैसे कि मूव डाउन था इस पे क्लिक करूंगा वो मूव डाउन हो जाएगा। मैं उस ऊपर वाली कंडीशन पे मूव डाउन को प्रेस करूंगा, जो पेज लोडेड की कंडीशन है वो अप मूव हो गई है और जो दूसरी कंडीशन है विड्थ वाली वो नीचे मूव हो गई है। मैं अब इसे प्रीव्यू करूंगा और यहाँ पे इसकी विड्थ को जरा इंक्रीज कर दूंगा। अब आप देखेंगे कि मैं एक दफा फिर रिफ्रेश करूंगा, जब तक रीलोड हो रहा होता है तब तक इसका जो कलर है वो डिफॉल्ट प्राइमरी कलर रहता है जो कि यहाँ पर इसकी अपीयरेंस में डिफाइन है। जैसे ही लोड हो जाता है तब ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाती है। ये कंडीशन कब ट्रू होगी, जब ये 400 पिक्सल से कम इसकी हाइट हो जाएगी, सॉरी विड्थ। मैं इसे यहाँ पे कम करूंगा, जैसे ही 400 पिक्सल से कम होगी तो आप देख सकते हैं कि कलर अब जो इस स्टेट में डिफाइन है उसने इस स्टेट को ओवरराइड कर दिया है। अगेन सेम रीजन की वजह से, क्योंकि ये कंडीशनल स्टेट पहले डिफाइन है, ये बाद में, इस वजह से ये जो प्रॉपर्टी है इसने इसको ओवरराइड कर दी। इसके अलावा हमारे पास कंडीशनल स्टेट में और बहुत सारे एक्शंस, बेसिकली जो ट्रिगर्स जिनको आप कह सकते हैं, वो अवेलेबल हैं, और उसी के साथ साथ हमारे पास बहुत सारी बेसिकली स्टेट्स भी अवेलेबल हैं जिनको कि हम थ्रू आउट आर कोर्स रिपीट करते जाएंगे, यूज करते जाएंगे, और एट द एंड ऑफ कोर्स हम इसके भी मास्टर बन जाएंगे। ये थी आज की वीडियो। होपफुली आपको आज की वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। वीडियो के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, मैं उसका जवाब दूंगा। आज की वीडियो में हमने एक कंडीशनल टैब को स्टडी किया और ये स्टडी किया कि हम कंडीशनल टैब में डिफरेंट कंडीशंस के थ्रू एलिमेंट की स्टेट को कैसे चेंज कर सकते हैं। वो उसका टेक्स्ट हो सकता है, वो बेसिकली उसकी स्टाइलिंग हो सकती है, उसकी पोजिशनिंग हो सकती है, या कोई भी और अवेलेबल एक्शन हो सकता है। बहुत सारे ट्रिगर्स हमारे लिए प्री डिफाइंड कर दिए गए हैं जिनमें के पेज लोडेड, विड्थ, टैक्स और भी बहुत सारी स्टेट्स के अकॉर्डिंगली हम एक ट्रिगर कर सकते हैं एक्शन को, और उसकी बेस पे जो हमने प्रॉपर्टीज, जो हमने एक्शंस डिफाइन किए होंगे वो टेक प्लेस करेंगे। वंस अगेन ये बबल डॉट आईओ पे कंप्लीट सीरीज होने वाली है। अभी तक हम ऑलमोस्ट बहुत कुछ बबल डॉट आईओ में कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी ऐप की यूआई बनाएंगे, क्योंकि हमने अभी तक कंपोनेंट्स को स्टडी कर लिया है, लेआउट टैब को, अपीयरेंस टैब को, कंडीशनल टैब को, और इसी के साथ हमने रिस्पॉन्सिवनेस के भी थोड़े कॉन्सेप्ट्स को देखा है। मीन हम इस स्टेट तक पहुंच चुके हैं कि हम एक बेसिक यूआई को डिजाइन कर सकें। अभी हमारे पास बहुत सारे और कॉन्सेप्ट आएंगे, हम रिस्पॉन्सिवनेस को डिटेल में स्टडी करेंगे, स्टाइल्स के कॉन्सेप्ट को डिटेल में स्टडी करेंगे, वर्कफ्लोज के कॉन्सेप्ट को डिटेल में स्टडी करेंगे और उनको रिपीट करते जाएंगे, जिसके साथ के हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है, जो फाउंडेशन है, वो काफी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और कोर्स के एंड तक आप बबल डॉट आईओ के एक्सपर्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी टू डू ऐप की स्टार्टिंग यूआई बनाएंगे, जो हमने अभी तक कॉन्सेप्ट्स लर्न किए हैं उनको यूज करते हुए, और उसके बाद वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर हमारे पास कोई एक कंपोनेंट नहीं है तो वो कंपोनेंट हम कहाँ से हासिल कर सकते हैं, जो कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है प्लगइन्स का। तो ये आने वाली वीडियोस में हम स्टडी करेंगे और उसके अलावा भी काफी चीजें स्टडी करेंगे। इस कोर्स को अपने कोलीग्स के साथ, दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ और सोशल मीडिया पे जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे फायदा हासिल कर सकें। वीडियोस को लाइक करें,
शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कोई भी क्वेश्चन हो तो उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, अदरवाइज एप्रिसिएशन के तौर पे कोई भी फीडबैक जरूर ऐड करें, वो बहुत ही ज्यादा इनकरेजिंग होता है। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह Don't forget to like this video and also subscribe to my channel.